अस्सलाम वालेकुम। तो व्हाट्सअप के किंग वेलकम बैक टू अनदर एक और वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। एंड गाइस ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो आप लोग। आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा कि वीडियो किस पर होने वाली है। तो गाइस आप लोगों के कमेंट आते हैं कि इस फ़ोन के बारे में सही तरह वीडियो लेकर आओ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। तो कुछ भाई मुझे कमेंट करते हैं कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा यूज़ करते हो, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो कुछ भाई कहते हैं कि हेड कैम कब लेकर आ रहे हो, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कब लेकर आएंगे, और उसके बाद ये फ़ोन गेमिंग के लिए ठीक है या नहीं ठीक, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और उसके बाद कुछ भाई बोलते हैं कि सेंसिटिविटी की वीडियो न्यू कब लेकर आ रहे हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब लेकर आनी है। और कुछ भाई मुझे कमेंट करते हैं कि वीडियो की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होती है, इसको अच्छा कैसे आप बनाते हो, क्योंकि हम भी इसके ऊपर ही गेम प्ले खेलते हैं इन्फिनिक्स नोट 30 के ऊपर ही, लेकिन हमारी क्वालिटी कुछ अलग होती है, आपकी क्वालिटी हाई होती है, आप इन्फिनिक्स नोट 30 के ऊपर नहीं खेलते। तो वो भी मैं आप लोगों को कन्फर्म करके बता दूंगा कि मैं कैसे इन्फिनिक्स नोट 30 के ऊपर ही हाई क्वालिटी कैसे करता हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो कर देना आप लोगों ने लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, तो बेल आइकन बटन लाजमी से दबा देना ताकि हर न्यू वीडियो आने वाली आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हेड कैम की कि आप हेड कैम कब लेकर आ रहे हो। तो मैंने ना अपने दोस्तों से बात की रही है, तो उन्होंने बोला कि हेड कैम, मैं तो पहले वीडियो ना बनाने लगा था हेड कैम वाली, तो मेरे दोस्तों ने बोला क्यों ना तुम 1K जब भी आपके सब्सक्राइबर हों, तो उस वक्त ना 1K सब्सक्राइबर के बाद आपने हेड कैम वीडियो लेकर आ जानी है, तो इनको बता देना है कि आप इन्फिनिक्स नोट 30 के ऊपर ही खेलते हो। तो गाइस मैम ने भी डिसाइड किया क्यों ना 1K सब्सक्राइबर हो जाए, क्योंकि वैसे भी सब्सक्राइबर बढ़ना जल्दी से शुरू हो चुके हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को शेयर करना है, तो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करवा दो, तो जल्दी वीडियो हेड कैम वाली लेकर आ जाऊंगा, तो आप लोगों को मैं इन्फिनिक्स नोट 30 दिखा दूंगा, तो आप लोगों को तभी यकीन होगा कि मेरे पास भी इन्फिनिक्स नोट 30 है। और गाइज उसके बाद कुछ भाइयों के मुझे कमेंट आते हैं कि आप कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करते हो, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रूफ के साथ बता दूंगा कि मैं कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ। कुछ भाई मुझे बोलते हैं कि आप फ़ोन का जो अपना स्क्रीन रिकॉर्डर है वो यूज़ करते हो, इसलिए आपकी क्वालिटी आई है, उसकी कोई आपने सेटिंग बनाई होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैं पहले स्क्रीन रिकॉर्डर फ़ोन का जो फ़ोन के अंदर होता है ना, वो मैं पहले यूज़ करता था, ना अभी यूज़ कर रहा हूँ और ना ही कभी करूँगा, क्योंकि उसका ना लोड बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत ही ज़्यादा गेम लैग करती है, तो वो मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये ग्लिप रिकॉर्डर है, तो बहुत ही हैवी है, इसको आप लोग भी यूज़ कर सकते हो इजीली। आप लोगों को प्ले स्टोर के अंदर ग्लिप सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी स्क्रीन रिकॉर्ड ये सब जो भी आप लोगों को स्क्रीन शॉट शो हो रहे हैं ना, इसको आप लोगों ने देख लेना है, तो जैसे मैंने सेटिंग की हुई है ना वैसे आप लोगों ने कर देनी है, तो आप लोगों को ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे दोबारा से पूछने की कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि मैंने वो वाले स्क्रीन शॉट लिए हैं जहाँ पर आप लोगों ने ना स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन करके ना, तो आप लोगों ने करना कुछ इस तरह है कि जिस तरह के मैंने सेटिंग की हुई है ना, वो जो स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाए हैं, तो आप लोगों ने वैसे ही सेटिंग कर देनी है। तो मुझे कमेंट करके लाजमी से बताना है कि ये वाला क्लिप आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये आप लोगों ने कमेंट करके मुझे लाजमी से बता देना है। और गाइस उसके बाद बात करते हैं सेंसिटिविटी की वीडियो कब आएगी, तो उसका भी मैं आप लोगों को बता दूँ, दो तीन वीडियो मैंने पहले भी लगा दी हैं सेंसिटिविटी की, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो अभी उनका कोड जो है ना किसी का लग रहा है किसी का नहीं लग रहा, तो काफ़ी सारे कमेंट यही आ रहे थे कि वो वाले कोड ना एक्सपायर हो गया, न्यू वीडियो डालो तो हैवी वाली डालना, तो इंशाल्लाह बहुत ही हैवी वीडियो लेकर आऊँगा न्यू सेंसिटिविटी की भी। तो आप लोगों ने कुछ इस तरह करना है, जैसे इस वीडियो के ऊपर ना मेरे 100 लाइक होंगे ना, 100 लाइक होंगे, तो मैं सेंसिटिविटी की वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो वैसे मेरे लाइक हाइट होते हैं, तो इस बार ना अनहाइट करेंगे, क्योंकि कुछ भाई बोल रहे होते हैं कि आपकी वीडियो पर लाइक नहीं आते, व्यूज़ काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो इस बार अनहाइट करेंगे, तो जल्दी से
वन के बोल रहा हूँ, 100 मेरे आप लोगों ने लाइक करवाने, और उसके बाद इंशाल्लाह बहुत ही ना हैवी वाली वीडियो सेंसिटिविटी की आप लोगों के पास पहुँच जाएगी। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं कि ये फ़ोन गेमिंग के लिए कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर इस फ़ोन को कोई सही तरह संभाल कर रखेगा ना तो ये फ़ोन गेम के लिए बेस्ट है। मतलब कि जैसा आजकल बंदे यूज़ करते हैं कि मेमोरी काफ़ी सारी होती है, तो इनमें इसमें ना काफ़ी सारे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप एक हैवी गेम प्ले करना चाहते हो तो इसमें ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है कि कितने 8-9 GB की ना गेम हो चुकी है, जिसकी वजह से हर बंदे का फ़ोन लैग करता है। आईफोन ना लैग करना शुरू कर के हैं, ये तो फिर इन्फिनिक्स नोट 30 है, आप लोगों को पता ही है। एंड्रॉयड मोबाइल जल्दी लैग करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपका भाई भी इसी के ऊपर ही खेलता है, तो अभी तक मुझे लैग देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैंने इसको सही तरह संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि मैंने फालतू से ऐप डाउनलोड नहीं किए। और उसके बाद पता ही क्या करता हूँ, जब ना मेरी मुझे पता चलता है ना कि ये थोड़ी सी गेम लैग कर रही है, तो मैं इसको पता ही क्या करता हूँ, गेम को कर देता हूँ क्लियर। वो वाली वीडियो भी मैं लगा दी है पहले से, मैं आप लोगों को बता दिया कि क्या नाम है, इस पबजी को क्लियर कैसे करें। सेटिंग में जा कर ना उधर क्लियर वाला एक ऑप्शन होता है, तो उधर से आप लोगों ने क्लियर कर देनी है। उसके बाद बिल्कुल न्यू हो जाती है पबजी, और जितने भी सॉस पैक डाउनलोड हुए होते हैं ना वो सारे अनइंस्टॉल हो जाते हैं, जिसके बाद ना आपकी गेम स्मूथ हो जाएगी। और उसके बाद गाइस बात करते हैं कि आप इसकी क्वालिटी कैसे आई करते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं करता हूं एडिट काइन मास्टर से, तो कैपकार्ड से भी कुछ लोग करते हैं, उनकी भी क्वालिटी अच्छी होती है, तो काइन मास्टर मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, तो इसलिए ना मैं काइन मास्टर ही यूज़ करता हूँ। काइन मास्टर में आप लोगों को ना फिल्टर मिल जाते हैं ना क्वालिटी हाई करने के, तो उधर आप लोगों ने ना वो वाले फ़िल्टर यूज़ कर लेने हैं, तो आप लोगों की क्वालिटी हाई हो जाएगी। जो बंदे यूज़ करते हैं उनको तो पता होगा कि कैसे क्वालिटी हाई होती है, जो बंदे नहीं करते तो वो बंदे जाकर यूज़ कर लेना, यूट्यूब पर वीडियो को सर्च कर लेना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो काफ़ी हैवी हो जाती है वीडियो, जिस तरह ये वीडियो दिख रही है ना बिल्कुल ही ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बाकी वीडियो यहाँ तक ही थी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट करके लाजमी से बता देना है, वीडियो को नहीं बताना, वीडियो में कमेंट करके लाजमी से बता देना है। तो बाकी यार अगर इसके रिलेटेड आप लोगों ने कुछ और पूछना हो तो वो मुझे बता देना कमेंट करके, तो उस पर भी वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आ जाया करेगी। तो बाकी यार जल्दी से 1K करवाओ, हेडगम वाली भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये छोटे सा आगे क्लिप है जो रैंकिंग वाला है, वो भी आप लोग देख लो कि मैं कहाँ पर रैंक में पहुँच चुका हूँ, वो भी देख लो। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।